सेक्शन एफ धरना नंबर दो सेक्शन की आपको बोला था, आपको खुद घर पर प्रैक्टिस करनी है। सेक्शन एफ का दूसरा दाखला, पहला दाखला भी आपको खुद ही करना है। एक्स 43, 47, 45, 50, 40, 51, वाई 5.2, 4.9, 5.0, 4.7, 5.4, 4.3। एक्स सिग्मा एक्स इसका टोटल कितना होगा? सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 276। एक दो तीन चार पाँच छ, तो एक्स बार कितना आएगा? 24, 6 6 36। सिग्मा एक्स आएगा 276 के तकसीम में 6 = 46। ठीक है, अब सिग्मा वाई कितना आएगा? सिग्मा वाई बराबर 29.5। 29.5 को 6 से तकसीम करेंगे। ये दाखला मैं इसके लिए डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि पहले से मैंने सब सिखा दिया था, उसी का रिवीजन है। 4.91 या 4. x बार y बार बराबर 4.92। हमको फर्स्ट करना है x माइनस a, u बराबर x माइनस a, b बराबर y माइनस b, फिर उसके बाद u भी, उसके बाद u का स्क्वायर और b का स्क्वायर। ये 1 2 3 4 और 5 कॉलम बनाए हैं। अब हम 46 है, 46 को भी आप फर्स्ट कर सकते हो राउंड में, 45 को भी फर्स्ट कर सकते हो, 50 को भी फर्स्ट कर सकते हो। यहाँ पर हम 45 को फर्स्ट करेंगे, -2 2 0 5 -5 और यहाँ पर 6। तो यहाँ पर सिग्मा यू इज इक्वल टू 6, सिग्मा यू इज इक्वल टू कितना आएगा? 6। अब यहाँ पर पॉइंट करना है तो बी बराबर हम फर्स्ट करेंगे, यहाँ पर 4.98 के करीब कौन सी अमाउंट है? 5, तो हम यहाँ पर 5 फर्स्ट करेंगे और उसको 0.1 से तकसीम करेंगे, जैसे कि 5.2 माइनस 5 के तकसीम में 0.1, तो यहाँ पर 0.2 के तकसीम में 0.1, तो कितना आएगा? 2। इस तरह 0.1 से हम इसलिए तकसीम करेंगे ताकि रकम पॉइंट में ना आए, पॉइंट में आएगी रकम तो आगे की गिनती, स्क्वायर की गिनती हमारे लिए हार्ड होगी, इसलिए हम यहाँ पर तकसीम में सी 0.1 लगा देंगे। तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा -1, यहाँ पर आएगा 0, -3 4 और -7। 4 5 6 और 7 8 9 10 11, तो सिग्मा बी बराबर -4। ये हमारा सिग्मा बी बराबर कितना हुआ? -5 2 और 1 2 3 4 7 8 9 10 11 4 5 6 11 में से जाएगा तो माइनस होगा 5। यू भी जब करेंगे वेव 4 -2 0 -15 -20 तथा -42। अब उसको हम टोटल करेंगे, 4 + 2 + 15 + 20 + 42 होगा 83। सभी रकम माइनस में है तो यहाँ पर भी रकम आएगी -83। यू का स्क्वायर 4 4 0 25 25 और 36, 25 50 50 60 70 80 86 94। सिग्मा यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 94।
यहाँ पर आएगा 4, 1, 0, 9, 16, 49 और सिग्मा बी का स्क्वायर आएगा 4 और 5, 5 और 9 होगा 14 प्लस 16 तो 30, 30, 40, 50, 60, 70, 79 तो यहाँ पर इसका स्क्वायर होगा 79। अब तो आपको सबको पता है आई इज इक्वल टू एन सिग्मा यू बी माइनस सिग्मा यू सिग्मा बी अपॉन रूट में एन सिग्मा बी का स्क्वायर माइनस सिग्मा बी पूरे का स्क्वायर एन सॉरी सिग्मा यू का स्क्वायर सिग्मा बी का स्क्वायर सिग्मा बी पूरे का स्क्वायर ये हमारा जाता है जिसके हिसाब से हम उनको सिर्फ रकम रखेंगे और गिनती हो जाएगी। एन इज इक्वल टू 6 सिग्मा यू के माइनस 83 सिग्मा यू 6 सिग्मा बी माइनस 5 यहाँ पर उनमें 6 सिग्मा यू का स्क्वायर है 94 सिग्मा यू 6 पूरे का स्क्वायर उसके बाद 6 79 माइनस माइनस 5 का स्क्वायर तो यहाँ पर 83 + 6 498 माइनस में आएंगे और ये यहाँ पर 6 50 30 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6 50 30 30 माइनस में आएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 94 मल्टीप्लाई 6 564 माइनस 6 का स्क्वायर 36 79 + 4 = 674 5 50 25 ये माइनस माइनस स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा और ये यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 498 में से 30 जाएंगे तो बचेगा आपको माइनस 564 माइनस 36 इज इक्वल टू 528 और यहाँ पर रहेगा 449। रूट में से बाहर निकालना है इसको यहाँ पर आगे का दाखला हो सकता है आपसे कर लोगे माइनस 468 अपॉन 528 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 22.98 जर 449 को रूट से बाहर निकालेंगे 21.19 माइनस 468 अपॉन 22.98 जर 21.19 तो आएगा 22.98 जर्ब 21.19 465.94 के तकसीम में 486.94 जीरो पॉइंट माइनस में 0.96 ये हमारा आ रहा है यह हमारा आंसर है। अब दाखला नंबर 3 तीसरा दाखला करेंगे अब हम यहाँ पर दाखला नंबर 3